एक्चुअली इस क्विज को लेटर आया कोर्ट से आगरा देखे इसको कोर्ट जी सर सुबह ही कोर्ट से कोई लेटर आया था मैंने बोला आपको दे दूंगा एक्सक्यूज मी मैम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस आपके लिए ये लेटर आया फ्रॉम द कोर्ट प्लीज मेरा देख लीजिएगा फैमिली कोर्ट की तरफ से जी मैम आज सुबह ही फैमिली कोर्ट की तरफ से अच्छा ठीक है आप जा सकते हैं ओके मैम थैंक यू जरा आशा साहब को भेजिए बंदा एक्सक्यूज मी मैम आपने मुझे बुलाया आशा साहब ये एनवलप जिस तरह से पैक था उसी तरह से वापस बंद करके आप अपने पास रख लीजिए जी मैम और ऐसा समझ लीजिए जैसे कि ये मैंने पढ़ा ही नहीं हो और आइंदा कोई भी कंसाइनमेंट फखर के नाम से नहीं जाएगी जी मैम और जितनी भी प्रीवियस पेमेंट फखर के नाम से आई है उसका रिकॉर्ड और जितना भी पैसा फखर के नाम से डिपॉजिट हुआ है उन सबकी रिपोर्ट मुझे कल चाहिए और ये सब काम तब होना चाहिए जब जब फखर ऑफिस में मौजूद ना हो तो मेरा एक काम करोगे यार इस खत के बारे में तायरा को पता नहीं चलना चाहिए आपके लिए स्विस को लेटर आया कोर्ट से आगरा देखे इसको कोर्ट जी सर सुबह ही कोर्ट से कोई लेटर आया था मैंने बोला आपको दे दूंगा अरशद इस लेटर के बारे में तायरा को तो नहीं पता वो तो आपके आने से पहले ही चली गई थी क्यों पता नहीं जब आप उनको यहाँ छोड़ के बैंक पहुंचे ही होंगे तो कहने लगी कि मेरे सर में दर्द हो रहा है मैं घर जा रही हूँ उनको बता देना फखर साहब को जब आए तो मैंने कहा ठीक है बता देना जी जी फखर साहब बोलिए तो मेरा एक काम करोगे यार इस खत के बारे में तायरा को पता नहीं चलना चाहिए जी जी फखर साहब जैसे आपका हुक्म आप मुतमईन रहिए थैंक यू वेरी मच शर्मिंदा कर रहे हैं शुक्रिया बोल के आप नहीं यार मैं पता है तायरा से कहकर तुम्हारी सैलरी में इजाफा करवाऊंगा बहुत शुक्रिया फखर साहब आपका नहीं शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए थैंक यू अच्छा साहब आप बैंक को मना करें कि वो आइंदा बल्कि अभी से वो फखर को आइंदा कोई भी पेमेंट ना करें जी अच्छा मैम हरिया ओके मैम कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाती है थैंक यू योर ऑनर
मिलॉर्ड इस केस के डिफेंडेंट एक कारोबारी कंपनी की मालिक है, जिस कंपनी में मिस्टर फखर शादी के फौरन बाद ही उन्होंने मुख्तलिफ हीलों बहानों से मिस तायरा से रकम बटोरनी शुरू कर दी और अब इन दोनों का निभा नामुमकिन। योर ऑनर, अंडर दीज सर्कमस्टांसिस इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट टू द ऑनरेबल कोर्ट कि मिस तायरा के फेवर में डिवोर्स की डिग्री सादर की जाए। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, इसके सबूत के तौर पर मैं अपनी क्लाइंट की कंपनी के अकाउंटेंट मिस्टर अरशद को बतौर गवाह पेश करना चाहता हूं, जिसको मिस्टर फखर ने मना किया कि वो उस कोर्ट ऑर्डर को तायरा से मख्फी रखे जिसमें जिक्र था कि मिस्टर फखर अपनी पहली बीवी और उनके बच्चे को अखराजात दे। जी, अपना बयान अदालत में रिकॉर्ड कराएंगे। सर, फखर साहब ने मुझे मना किया था कि उनकी पहली बीवी और उनके बच्चों के खिलाफ होने वाले फैसले से मैं मैडम तारा को आगाह ना करूं और इसके एवज उन्होंने मेरी तनख्वाह बढ़ाने का मुझसे वादा किया था। वकला की बहस और गवाहों के बयान से ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि मिस्टर फखर ने बिलावजह अपनी बीवी और बच्चे इनके हक में तलाक की डिग्री साबित कर दी। The court is over.